नमस्कार, द फ्रंट पर आपका स्वागत है। मैं हूं राणा यशवंत। कश्मीर में सरकार के सामने एक नई चुनौती आन पड़ी है, ऐसा लगता है। घाटी की सड़कें सूनी हैं और बाजार बंद हैं। दुकानदारों ने पिछले 3 दिनों से दुकानें थोड़ी देर के लिए भी नहीं खोली हैं। कुछ ऑटो की आवाजाही देखी जरूर जा रही है, लेकिन बाकी सड़कों पर सन्नाटा है, गाड़ियाँ नहीं चल रही हैं। दरअसल हुआ यह है कि बुधवार को कुछ पोस्टर्स घाटी में चिपकाए गए, जिनमें दुकानदारों और ट्रांसपोर्टर्स को यह धमकी दी गई कि अगर उन्होंने दुकान खोली और गाड़ियां चलाईं तो उसको इसका खामियाजा उन लोगों को भुगतना पड़ेगा। यह ठीक उसी दिन की बात है जिस दिन संसद में, राज्यसभा में अमित शाह, जो देश के गृहमंत्री हैं, वो ये कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में स्थितियाँ सामान्य हैं। जो 195 थाने हैं, सभी से कर्फ्यू हटा लिया गया है। कुछ एक ऐसे थाने हैं जहां मामला संवेदनशील है, वहां रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू रहता है। लेकिन दवाओं की सप्लाई ठीक है। LPG, पेट्रोल और डीजल की बिक्री पिछले साल के मुकाबले 8 से 16% ज़्यादा है। बच्चों ने इम्तिहान इस बार बढ़ चढ़ करके दिया है, यानी कि 11वीं में लगभग 99.48% और 10वीं और 12वीं में 99.70% बच्चों ने इम्तिहान दिया है। यह इस बात की गवाही है कि सब कुछ सामान्य है, कहीं कोई सवाल या संदेह की बात नहीं आती है। यह तब था जब विपक्ष की तरफ से कश्मीर के हालात को लेकर के कुछ सवाल किए गए थे और उसका जवाब अमित शाह सदन में दे रहे थे, लेकिन उसी दिन पोस्टर चिपकाए गए थे। उसके बाद से पिछले 2 दिनों में घाटी के भीतर की तस्वीर बदली है। जो सब कुछ सामान्य चल रहा था, लोगों की आवाजाही सामान्य हो गई थी, बाजार खुल रहे थे, स्कूल भी खुले हुए थे, अस्पतालों में लोग आ रहे थे, लेकिन अब पिछले 2 दिनों में ऐसा दिख नहीं रहा है। बल्कि वहाँ की जो जामिया मस्जिद है श्रीनगर की, और हर जुमे के दिन वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा होती रही है। पिछले 3-3.5 महीनों में 16वां शुक्रवार है कि वहाँ जुमे की नमाज नहीं पढ़ने दी गई। प्रशासन को और वहाँ की व्यवस्था को इस बात का अंदेशा रहता है कि जुमे के नमाज के दिन जो भीड़ वहाँ इकट्ठा होती है, उस भीड़ की आड़ में आतंकवादी और अलगावादी मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं, अपनी साजिश को अंजाम दे सकते हैं। कोई ऐसी हरकत हो सकती है जो आतंकवादियों की साजिश का हिस्सा होगी और उससे माहौल ख़राब होगा, कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए वहाँ जुमे की नमाज पिछली 16 शुक्रवार से नहीं पढ़ी गई है। वैसे पूरे इलाके में, नहीं कि मैं घाटी की बात कर रहा हूँ, श्रीनगर समेत, पिछले 3 दिनों के भीतर जो हालात बदले हैं उनको छोड़ दें तो वहाँ सामान्य स्थितियाँ बहाल होने लगी थीं और बहुत सारी जगहों पर हो भी गई थी। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आतंकवादियों और अलगावादियों ने मिलकर के उन नेताओं के साथ जिनके साथ उनकी बनती है या उनके साथ जिन नेताओं का समर्थन रहता है, सहमति रहती है, मिलकर के घाटी और घाटी के लोगों को डराने की साजिश रची है। और इस साजिश का ही नतीजा है कि पोस्टर चिपकाए गए और लोगों को अपने घरों में रहने और दुकानें न खोलने के लिए दबाव बनाया गया है। क्योंकि अगर आप दुकान खोलते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, सामान्य स्थिति दिखती है, तो फिर आपके ऊपर जो कार्रवाई होगी, यानी आपको जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उसके कुसूरवार या जिम्मेदार आप ही होंगे। आतंकवादी कमोबेश अपने पोस्टर के जरिए लोगों से यही कहना चाहते हैं। लिहाजा सरकार और वहाँ की जो व्यवस्था ने प्रशासन है, उसके जिम्मे एक बड़ा अब काम ये आन पड़ा है कि अगले कुछ दिनों के भीतर जो स्थितियाँ लगातार सामान्य होती जा रही थी और हो गई थी, वैसे स्थितियाँ वहाँ बहाल की जाए, लोगों के बीच में, दुकानदारों के अंदर यह भरोसा पैदा किया जाए कि यह जो धमकी है, यह जो डर है, यह बेमानी है, बेकार का है, आप आराम से अपना काम कीजिए, जीवन जिए, सब कुछ घाटी में सामान्य है और सामान्य रहेगा। We'll be right back.